कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार बनने के बाद कांग्रेस अपने वादे पूरे करने में लगी है। 11 जून के लिए महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस शक्ति योजना की शुरुआत की गई। स्कीम लॉन्च के दौरान विधायक रूपकला ने महिलाओं को बिठाकर खुद बस चलाई। इस दौरान उन्होंने गलती से बैक गियर लगा दिया। बस पीछे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों से टकरा गई। पास में खड़े बस ड्राइवर ने तुरंत स्टीयरिंग हाथ में लेकर स्थिति को संभाल लिया। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 5 वादे किए थे। फ्री बस सर्विस के अलावा उन्होंने गृह ज्योति योजना के तहत हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, युवा निधि स्कीम के तहत बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 3,000 रुपये, अन्य भाग्य योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार को 10 किलो मुफ्त चावल देने का वादा किया था। कर्नाटक में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है, डीके शिवकुमार डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 5 वादों पर मुहर लगा दी है। 4 योजनाएं 11 जून से 15 अगस्त के बीच लागू होगी, जबकि 5वें के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।